न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और चलिए नजर डाल लेते हैं पानसेमल की तीन बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर, जहां पानसेमल थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया। नवविवाहिता से जुड़ा मामला होने के समक्ष अधिकारी की मौजूदगी में कार्यवाही की गई तथा जांच के लिए FSL अधिकारी भी मौजूद रहे। कृष्णा पिता आना भंडारी जाति बारेला निवासी ग्राम मतराना ने सूचना दी कि वह कल शाम को पानसेमल में बाजार करने आया था। घर पर उसकी पत्नी बच्चे थे। जब शाम को 7 बजे बाजार करके वापस गया तो उसकी पत्नी अनीता उम्र 23 वर्ष की अपने घर के में ही फांसी का पत्ता लगाकर मृत्यु होने की सूचना दी गई थी। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। चूंकि वहीं दूसरी खबर, अब जहां पानसेमल वन परिक्षेत्र में वन विभाग द्वारा एक JCB को जब्त किया गया है। वन विभाग द्वारा जानकारी में बताया गया है कि वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में JCB द्वारा अवैध खनन करते हुए समतलीकरण करने का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद वहां वन विभाग की टीम ने पहुंचकर JCB को जब्त किया है। वन विभाग के रेंजर मंगेश बुंदेला ने कहा कि अभी प्रकरण की जांच जारी है, फिलहाल JCB को जब्त कर आगे की कार्यवाही के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की जांच की जाएगी। कल वन क्षेत्र में JCB द्वारा अवैध उत्खनन करके वहां पर अतिक्रमण के उद्देश्य से समतलीकरण कार्य किया जा रहा था। मुखबिर से सूचना मिली थी तो मौके पर तत्काल स्टाफ द्वारा पहुंचकर कार्रवाई की गई। JCB और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। वहीं तीसरी खबर अब पानसेमल से, जहां पानसेमल थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से पति पत्नी घायल हो गए हैं। बता दें जिसमें उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार पानसेमल थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ीखम के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर जा रहे पति पत्नी घायल हो गए हैं। घटना की सूचना डायल 100 को दी गई थी, जिसके पायलट प्रकाश राठौर, पुरुषोत्तम और हेड कांस्टेबल सहादार वास्कले घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद डायल 100 के माध्यम से उन्हें अस्पताल लाया गया। CSC पानसेमल से सूचना प्राप्त हुई कि इसमल पिता राम सिंह निवासी जामनिया एवं उसकी पत्नी नारंगी बाई वाहन दुर्घटना होने से घायल होकर 100 डायल की मदद से अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया था, जिसमें उसको ज़्यादा चोट होने के कारण गंभीर स्थिति होने से डॉक्टर द्वारा उसे रेफर किया गया है, जो अभी यहां से रेफर होकर जिला अस्पताल में इलाजरत जारी है।